खैरथल को जिला बनने की घोषणा के बाद किशनगढ़वास कस्बे में कार्यकर्ताओं ने विधायक दीपचंद खैरिया व प्रधान बीपी सुमन को खुली जीप में बैठाकर जुलूस निकाला व जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कोटका सिंह प्रधान, विनोद कुमारी सांगवान, संदीप अग्रवाल, राजेंद्र सिंघल, उमेश यादव, शंकर भगतानी, बलवंत मेहरानिया, मोहम्मद कासिम मेवाती, भागेंद्र खैरिया, नवीन खैरिया, बंटी खैरिया, मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष धीरू भाई, प्रकाश चंद, जतिन लालवानी, हिम्मत पहाड़िया, कैलाश बतराज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा, भीम सेना जिला अध्यक्ष कमल सिंह, क्षेत्र के अनेक सरपंच प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के लोगों ने सुबह से ही कार्यालय पहुंचकर स्वागत किया। किशनगढ़वास से पब्लिक वाइब के लिए सुनील कांत गोल्डी की रिपोर्ट। द्वारा खैरथल को जिला बनाने की घोषणा के बाद संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़वास में खुशी की लहर दौड़ गई। आज सुबह से ही विधायक दीपचंद खैरिया के कार्यालय पर आमजन का एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इसके साथ ही खैरथल में आरओबी बनाने के लिए 50 करोड़ और हरसोली में आरओबी बनाने के लिए 50 करोड़, कुल लागत 86 करोड़ और भी सड़क बनेगी इसमें, उसके लिए भी हरसोली परगना से और पूरे कोटका क्षेत्र से, किशनगढ़ क्षेत्र से ग्रामीण लोग इकट्ठे हो रहे हैं, विधायक को गुलमालाएं पहरा कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इतनी बड़ी सौगात जिले की देने के लिए मुख्यमंत्री का भी आभार जताया जा रहा है। किशनगढ़वास से पब्लिक वाइब के लिए सुनील कांत गोल्डी की रिपोर्ट। खैरथल को जिला